एमपी अजब है, सबसे गजब है, ये एडवर्टाइजमेंट आपने सुना होगा जिसमें मध्य प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है उसका जिक्र किया गया है। चाहे महाकाल लोक हो, सांची स्तूप हो, मांडू के महल हो या फिर भोपाल का बड़ा तालाब हो, अब इसको देखने के लिए क्या लोग पहुंच रहे हैं या नहीं, इसको लेकर एक आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 2023 के आंकड़े जारी किए गए हैं। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2023 में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग पर्यटन के लिए आए, यानी कि टूरिस्ट जो हैं वे अधिक से अधिक संख्या में मध्य प्रदेश में आए हैं घूमने के लिए। किन जगहों पर घूमने गए हैं और कौन सी वह पर्यटन स्थल है जो इस पूरे मामले में अव्वल आया है, आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। दर्शकों को बता दें कि कोविड के बाद से ही लगातार देश में पर्यटन में इजाफा देखा जा रहा है और इसमें मध्य प्रदेश बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में मध्य प्रदेश में 11 करोड़ के लगभग लोग जो हैं वे ASA टूरिस्ट आए हैं, यानी कि टूरिस्ट फुटफॉल जो है वह मध्य प्रदेश में बड़ा है। वहीं अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। जी हां, उज्जैन में 5 लाख से भी ज्यादा पर्यटक पहुंचे। उज्जैन आपको बता दें कि बाबा महाकाल की नगरी है। महाकाल लोक के निर्माण की बात से ही यहां पर भक्तगणों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और फिलहाल बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 11 करोड़ 21 लाख पर्यटक पहुंचे, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,83,000 रही। वहीं 2019 में कोविड से पहले कुल 8 करोड़ 90 लाख टूरिस्ट एमपी आए थे। आपको बता दें कि ये जो आंकड़े हैं इन्होंने प्री कोविड आंकड़ों को भी मात दे दी है। वहीं एमपी टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक प्रदेश के टॉप 10 डेस्टिनेशन में 5 जगह धार्मिक स्थल हैं, जो कि उज्जैन, मैहर, चित्रकूट, ओमकारेश्वर और सलकनपुर हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा मध्य प्रदेश में बाकी जगह भी घूमने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई दे रही है और उसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है। जो मध्य प्रदेश में लगातार पर्यटन जो है वो बढ़ रहे हैं, पर्यटकों को मध्य प्रदेश जो है वो पसंद आ रहा है। जो दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं उन्हें मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पसंद है, क्या वो घूमना पसंद करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज?